आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। मुश्किल दौर से गुजर रही पाकिस्तान सरकार पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक अदालत ने तकरीबन 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है, जिससे अमेरिका और फ्रांस में पाकिस्तान की ओनरशिप वाली इमारतों के जब्त होने का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान सरकार ने 28 साल पहले सोने का खनन करने वाली कंपनियों के साथ एक अग्रीमेंट किया था, फिर वहां अरबों डॉलर का सोना मिलने के बाद पाकिस्तान सरकार की नीयत खराब हो गई और उसने इस समझौते को रद्द कर दिया। अब एक अदालत ने पहले से कंगाल चल रहे पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाते हुए बड़ा झटका दिया है। एक खबर के मुताबिक अदालत ने आदेश दिया है कि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और इस प्रोसेस में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रूजवेल्ट होटल और पेरिस में स्क्राइब होटल की कीमत का हिसाब लगाया जाए। इन दोनों होटलों का मालिकाना हक सरकारी एविएशन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अधीन आने वाली एक कंपनी के पास है। पाकिस्तान की ये कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान पर इससे पहले भी इस तरह का बड़ा जुर्माना लग चुका है, जब जुलाई 2019 में वर्ल्ड बैंक के एक ट्रिब्यूनल ने साल 2011 में सोने की खान का लाइसेंस रद्द करने के लिए 5.9 अरब डॉलर का हर्जाना मांगा था। सोने की इस खान को ऑस्ट्रेलिया और चिली की खनन कंपनियों ने खरीदा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी ब्रोकेन हिल ने लाइसेंस रद्द करने पर पाकिस्तान से 8.9 अरब डॉलर का हर्जाना मांगा था। पहले यह समझौता पाकिस्तान की बलूचिस्तान सरकार और ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी ब्रोकेन हिल के बीच था, जो साल 1993 में रेकोडिक खान के लिए किया गया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की रेकोडिक खान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने और तांबे के भंडार वाली खान मानी जाती है। सोने की ये खान अफगानिस्तान और ईरान सीमा के बेहद नजदीक है। इस खान से हर साल 2 लाख टन से ज्यादा कॉपर और तकरीबन 2.5 लाख औंस सोना निकाला जाता है। रेकोडिक खान से हर साल तकरीबन 3.64 अरब डॉलर का फायदा होता है। अनुमान है कि अभी 55 साल तक इस खान से सोना और तांबा निकाला जा सकता है, जिसकी कीमत तकरीबन 200 अरब डॉलर हो सकती है। फिलहाल अदालत ने जो जुर्माना लगाया है वो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का तकरीबन 2% है। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान पर इतना बड़ा जुर्माना लगने से पीएम इमरान खान के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इस खबर पर अपनी राय जरूर शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।